हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर्स फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 तारीख का जो पेपर हुआ ग्राम सचिव का इवनिंग शिफ्ट का, उसके आंसर की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था अम्बाड़ा से, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में स्थानीय सब इकाइयों के लिए किन किन नामों का यूज़ किया गया, तो समिति भी थी, विधाता भी और सभा भी, तो उपयुक्त सभी। आगे मैथ्स का क्वेश्चन था, एवरेज से क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे दो संख्याओं का औसत पूछा था जो लास्ट में बच जाती हैं, तो करेक्ट आंसर डी होगा 4.6। किस पुस्तक में अग्रोहा का उल्लेख है, तो ये दिव्यावदान में है। श्रृंखला पूर्ण करनी थी इसमें, तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे 123 हो जाएगा। एक पृष्ठ के बाएं दाएं शीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान को क्या कहते हैं, मार्जिन कहा जाता है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप बॉटम, ठीक है। किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी, तो ये समुद्रगुप्त को मिली थी, उसने धारण की थी कविराज की उपाधि। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये है दीपा मलिक, ठीक है। इसका हेक्साडेसिमल में बताना था, बाइनरी दिया था ये, तो हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया है 4-4 के पेयर बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग बनाइए, रूल पता ही आपको 8421 का। तो ये फर्स्ट नंबर जो है ना, ये किसका है, ये वन को लिखते हैं इस तरीके से, तो ये वन बन जाएगा, और 1110 ये 14 को लिखा जाता है, तो 14 यानी कि ई हो जाएगा, और ये 13 को लिखा जाता है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, तो डी ई आई 16 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो ये करनाल में की थी। अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माता के पुत्र की पत्नी, अरुण उस लड़की का क्या है, तो अरुण जो हो जाएगा उस लड़की का क्या होगा, फादर इन लॉ हो जाएगा, ससुर। भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी सत्रों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है, तो एक तिहाई यानी कि 33% आरक्षण दिया जाता है ना। दराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा है जो कि विकास योजना से संबंधित है, तो इसमें धारा बतानी थी कौन सी है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे धारा 249 हो जाएगा, ठीक है। 233 में जो है ये रिलेटेड है फंड ऑफ अथॉरिटी से, 38 एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड है, और 243 ये पेनल्टीज से है, तो यहाँ पर विकास योजना 249 हो जाएगा। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी, तो हिसार शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। एक निश्चित कूट में लूट को म्यूट और फेट को गेट, तो ब्लू को पूछा था, तो क्लू सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने किसके ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में। बड़खल जेल हरियाणा के फरीदाबाद में है। ओके, कौन सा शासक सैयद वंश है, तो खिज खां था सैयद वंश का संस्थापक। कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी, तो बादामी थी। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तित्तर है। ओके, यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पर आएगा क्या, तो करेक्ट आंसर जो होगा 23 का वो GWH हो जाएगा। ओके, GWH फर्स्ट ऑप्शन। ए और बी भाई है, सी और डी बहन, ए का पुत्र, तो बी का सी से संबंध पूछा था, तो चाचा हो जाएगा। एक निश्चित कूट में ब्रदर को ये लिखा जाता है, थ्रेड का कूट पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, चार पुत्र, उनकी पत्नियां हैं, तो टोटल पुरुषों की संख्या पूछी थी, तो 17 हो जाएगी। HFDC हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1989 में हुई थी। हरियाणा में वर्तमान में प्रशासनिक मंडल 6 हैं। कलसिया के राजा ने हरियाणा के कैथल शहर में किला बनवाया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में हुए थे, ठीक है। तीन द्वारा भी विभाज्य बतानी थी, एक अगर घटा दिया जाए तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे हैकिंग विद इसमें ऑल ऑफ दीज है। 2 अक्टूबर 1969 में पंचायत राज का उद्घाटन राजस्थान से हुआ था। ओके, इसका भी जो है आंसर नहीं मिला है, तो ये रहने दीजिए। आगे देखिए, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव द्वारा प्रदेशित अंततः नियंत्रित किया जाता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति जो है प्राप्त है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर टू रिमूव मेंबर्स, तो इसका राइट आंसर 264 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, 263 में पावर ऑफ गवर्नमेंट है टू मेक ग्रांट
एडवांस या लोन टू अथॉरिटी, तो 263 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देखिए नेक्स्ट का 1640 का 40% अगेन ये दिया है, तो यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात करना था तो करेक्ट हो जाएगा 962। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर पे जानिए, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है सेक्शन 263 किससे रिलेटेड है, तो अभी हमने पढ़ा 263 ये किससे रिलेटेड है, पावर ऑफ रिमूव मेंबर से रिलेटेड है ये, ठीक है। 264 एग्जेम्पशन, 276 रिलेशन ऑफ अथॉरिटी विद, ओके सही उत्तर पहचानना हमें, ओके तो गलत दिया गया 263 64, तो 76 है रिलेशन ऑफ अथॉरिटी विद पॉलिस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि 263 हमने ऊपर पढ़ लिया है। सेक्शन 273 डील विद ऑथेंटिकेशन, तो ये भी गलत है, प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अथॉरिटी से, तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए अगला देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में जो काम करती है वो वर्चुअल मेमोरी होती है। चांद मीनार तो दौलताबाद में है, ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में HPPC क्या है, HPPC, तो करेक्ट आंसर जो होगा 42 का वो हो जाएगा हरियाणा पावर परचेज सेंटर, ठीक है, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। हरियाणा का गुरुग्राम जिला जो था ये 1966 में बना था। एक पासे को एक बार फेंकने पर चार से अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो इसमें चार से ज़्यादा पाँच और छः हो सकता है, टोटल केस छः बनेंगे तो 2/6 1/3 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। निम्नलिखित विकल्पों में से यह संगत संख्या, तो सिंपल इसमें डिफरेंस लेना था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्लस का अर्थ ये है, तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा 200, बी ऑप्शन, बोर्ड मास लगेगा इसमें, ठीक है। कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है, तो वो है पद्म गुप्त महावीर चरित, महावीर चरित जो थी ये बहुभूति ने लिखी थी, बाकी तीनों सही हैं। संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संशोधन के द्वारा सूची से निकाल दिया गया और साधारण विधिक बना दिया गया है, तो ये 300A में। पंचायत राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है, तो ये 243 में है। मिश्र धातु में अगर हम चांदी के अनुपात को बढ़ाते हैं तो ये प्रक्रिया पेटिंसंस प्रोसेस कहलाती है, तो यहाँ पे सिल्वर सही हो जाएगा। डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने वाला लगने वाला वांछित समय सीक टाइम है, करवाया था मैंने ये। बारहवीं पंचायती राज संस्थान की प्रणाली कौन सी है, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, ओके ये भी नहीं हुआ है। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, तो ग्राम सभा के संदर्भ में पूछा था, तो ये पंचायती राज की प्रणाली प्राथमिक निकाय है, ठीक है। एक मिनट, ओके। और ये लिखा नहीं, इसमें भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं, ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान में इसे किया गया है, 243B आर्टिकल जो है उसमें इसे परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यालय में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, तो ये बंसीलाल का रहा है। मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहती है पाई जाती है सारनाथ में। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की थी, तो अशोक मेहता समिति हो जाएगा। इसमें से सही सुमेलित बताना था, तो अनुच्छेद 15 सही हो जाएगा। पंचायती राज को जो है राज्य सूची में शामिल किया गया है। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, सिविल सर्जन होता है। MS वर्ड में बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज किया जाता है। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है, वैसे तो सरपंच बुलाते हैं, ओके एक मिनट, तो यहाँ हो जाएगा ग्राम सभा का अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर वही होता है सरपंच ही, तो ग्राम सभा का अध्यक्ष हो जाएगा। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर है, तो पूर्वी सीमा पर बहती है, ओके। आगे AX=BY=CZ और B² = AC और Y² = Y का मान बताना था कि इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 2XZ/X+Z इसका, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है, इनमें से जो प्रोसीजर ऑन इम्पोजिज टैक्स है वो धारा जो है इसमें से बतानी है, तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा एक मिनट, धारा 147 नहीं, वो तो पावर ऑफ टैक्सेशन इम्पोजिज टैक्स 148 हो जाएगी, धारा 148 जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है।
आगे देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे, इसमें तो प्रत्येक बार शेषफल जो है समान ही बचता है, तो वो 4 हो जाएगा। ग्राम पंचायत के कार्य ये सभी हैं, उपयुक्त सभी होगा। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या होता है? 5 की सभा, असेंबली ऑफ 5। हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा जाता है? तो पानीपत को कहते हैं। Al3+ ion जो है ये डाया मैग्नेटिक है। कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार। किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? तो ये विलियम हार्वे ने दर्शाया था। हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है? तो वो है धमाल। थे पोलर का प्राचीन स्थल ये हरियाणा के कैथल में है। एक आदमी के पास इतने मीटर का कपड़ा और उसे 8 टुकड़े बनाने, तो इस कपड़े में से कितने टुकड़े बना सकता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आगे, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यूजर कंप्लेन अबाउट द आर्टिफिशियलिटी ऑफ वॉर गेम्स। ओके, इसमें स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, तो इन्फॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। द वॉल्यूएबल होस्ट द क्रिएटेड ए लाइवली एटमोसफेयर, इसका जो था सिनोनिम बताना था वॉल्यूबल का, तो टॉकेटिव हो जाएगा। सतीश रिमाइंडेड हिम ऑफ जो है करेक्ट आएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन। रवि वॉज ऑलवेज envious of the good fortune of other. On what I know of him, I can easily affirm that he is a good husband. Okay, इसमें थोड़ा सा doubt है, but maybe C option हो सकता है, on what I know. Okay. मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री बैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो नागार्जुन के नाम से। धरती धन ने अपना उपन्यास के रचयिता कौन है? धरती धन ने अपना, तो इसके हैं जगदीश चंद्र माथुर। प्रवासी साहित्यकार, ये तीनों ही प्रवासी साहित्यकार हैं। बोधाकृत वीर अवारिस किस प्रकार की रचना है? तो ये एक प्रबंध काव्य है। टैट है डेड जो ये है, ये ओज गुण से, ओज में जो है उत्साह, जो काव्य होता है उत्साह से रिलेटेड होता है। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये प्रयोगवादी काव्य के लिए यूज हुआ है। राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास को ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर। अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है? तो अंदाज उर्दू भाषा का शब्द होता है, तो मे बी उर्दू ही होगा यहाँ पे करेक्ट। ओके, तो ये थे आंसर की क्वेश्चन। इसमें एक दो रहता है जो साइंस का है, वो रहते हैं। ओके, अगर वो मिलते हैं तो उन दो क्वेश्चंस को भी जो है कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।